वहीं निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कालू बथान ओपी क्षेत्र के पिढ़रा हाट के समीप सुनसान जगह पर फ्यूजन नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एकत्रित लोन का पैसा 41,730 रुपये मोबाइल एवं अन्य सामग्री के लिए दो बाइक पर सवार अपराधकर्मियों द्वारा लूट लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर कांड में संलिप्त अपराधी कर्मी अजहर अंसारी, महबूब अंसारी, आफ्ताब अंसारी तीनों उर्मा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया और पकड़े गए तीनों अपराधकर्मियों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता व्यक्त कर दी है। दिनांक 21-10-2024 को समय करीब 4:45 बजे अपराह्न में कालू बथान ओपी क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर कालू बथान रोड पर पिंडरा हाट जगह है उसके पास स्थित सुनसान जगह में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक लोन एजेंट था जो एकत्रित लोन का पैसा 41,730 रुपए मोबाइल एवं अन्य सामग्री के साथ जा रहा था। उसको दो मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 अपराध कर्मियों द्वारा लूट लिया गया। इस संबंध में अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा हम लोग केस दर्ज कराए थे जिसमें कालू बथान ओपी कांड संख्या 349/2024 दिनांक 21-10-2024 को धारा 309(4) BNS में धारा दर्ज हुई थी। हमारे SSP सर द्वारा टीम गठन कर मुझे निर्देश दिया गया था कि उक्त कांड का उद्भेदन आप शीघ्र करें, तो इस संदर्भ में हमने टीम गठन किए थे जिसमें पुलिस निरीक्षक श्री रविकांत प्रसाद जो है, सर्कल इंस्पेक्टर निरसा अंचल के, कुअनी नीतेश कुमार मिश्रा प्रभारी कालू बथान ओपी, कुअनी प्रभात रंजन राय प्रभारी पंचायत ओपी, कुअनी श्री आशुतोष कुमार कालू बथान ओपी और वहां की पुलिस टीम के द्वारा एक टीम गठन हुआ जिसमें छापामारी कर हम लोग लगातार इसमें काम करते हुए तीन अभियुक्त को जो अजहर अंसारी उम्र करीब 25 वर्ष, आफ्ताब अंसारी और महबूब अंसारी